श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर क्यों आए? इसके दो कारण, एक अंतरंग कारण, एक तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में बैठे बैठे सोचने लगे कि संसार के करोड़ों लोग अपने बाल उतार कर मुंडन करके संन्यास लेकर मंदिर में बैठ जाते हैं और रात दिन हरे कृष्ण करते हैं, आखिर इन भक्तों को मेरी भक्ति में क्या आनंद मिलता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भजन करने लगते हैं। राधा रानी अपना सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल कर मेरी भक्ति कर, मेरी भक्ति में ऐसा क्या आनंद? भगवान के मन में हुआ कि मेरी भक्ति का आनंद मुझे भी चखना होगा, मेरी भक्ति का क्या टेस्ट है। तो यह लोभ भगवान को हुआ और इसलिए भगवान भक्त बनकर 535 वर्ष पूर्व इस धरती पर प्रकट हुए। और दूसरा कारण, भगवान ने सोचा कि अवतार तो मैंने बहुत लिए और सभी अवतारों में मैंने असुरों को मारा, लेकिन अब मार काट बंद करनी चाहिए। अब संसार के चाहे पापी तापी कैसे भी लोग हो, उसे गले मिलाकर उसे मेरी प्रेम भक्ति शुद्ध भक्ति का दान करना चाहिए। तो वही भगवान कृष्ण राधा भाव लेकर 535 वर्ष पूर्व आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, माता शची और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र बनकर आज ही के दिन संध्या के समय में प्रकट हुए। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जिसका जिक्र भागवत में हुआ, महाभारत में हुआ। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, हम कैसे विश्वास करें? चैतन्य महाप्रभु भगवान है इसके एक नहीं, दो नहीं, इसके लगभग 1000 कारण है। लेकिन मैं आपको प्रमाण है, महाभारत का एक प्रसिद्ध श्लोक जानते होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम आप सब जानते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम श्लोकों में है, उनमें एक श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदि संन्यास कृत शांत निष्ठा शांति परायण, ये महाभारत का श्लोक है, विष्णु सहस्त्र नाम का ये श्लोक है। सो भगवान विष्णु का एक नाम है सुवर्ण वर्ण, दूसरा नाम है हेमांग। अब विष्णु का एक नाम है हेम अंग, हेमांग। हेम का अर्थ होता है सोना, अंग माने शरीर, सोने जैसा जिसका शरीर है उसे हेमांग कहते हैं। कृष्ण के करोड़ों अवतार में ऐसा कौन सा अवतार है जिनके शरीर का रंग सोने के समान है? एक और मात्र एक श्री चैतन्य महाप्रभु, महाभारत का यह प्रमाण है, महाभारत का यह प्रमाण। उसी महाभारत में आगे कहा गया, संन्यास कृत शांत, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम है संन्यासकृत। संन्यासकृत माने संन्यास लेने वाला। अब कृष्ण के करोड़ों अवतारों में ऐसा कौन सा अवतार है जिसमें कृष्ण ने संन्यास लिया हो? केवल एक ही अवतार, श्री चैतन्य महाप्रभु। भविष्य पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, देवी भागवत, इन सभी ग्रंथों में श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया कि कलयुग की प्रथम संध्या में गंगा के तट पर जाह्नवी के किनारे शची के गर्भ से साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। तो भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार है, अपनी भक्ति कैसे की जाए यह सिखाने के लिए प्रकट हुए। भगवान जानते हैं कि दुनिया के लोग जब तक मेरी भक्ति नहीं करेंगे सुखी नहीं हो पाएंगे। कई बार लोग गाते ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई है। जब आदमी बहुत दुखी होता है तब सोचता है क्यों दुनिया बनाई। लेकिन भक्तों, आप विश्वास करो, जब हमारे जीवन में दुख आता है सबसे ज्यादा दुखी कृष्ण होते हैं, भगवान दुखी होते हैं और बार बार प्रयास करते हैं कि जीव कैसे सुखी हो, और सुखी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, पराक्रम करते हैं, लीला करते हैं ताकि दुनिया के लोग मेरी भक्ति करें। लेकिन इतने सारे अवतार लिए फिर भी लोगों ने भक्ति नहीं की, तब भगवान ने सोचा खुद मैं जाऊंगा, प्रवचन करूंगा, गीता का ज्ञान दूंगा, तब तो लोग समझ जाएंगे। कृष्ण आए, अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता का ज्ञान दिया, सोचा कि सब लोग गीता ग्रहण कर लेंगे। भगवान ने ऊपर जाकर देखा, गीता घर घर में है लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है।
अब क्या करें। नर्सरी का बच्चा जब कोई टीचर बोर्ड पर लिखती है बच्चों लिखो ए फॉर एप्पल, तो बच्चे मूड की तरह बैठे रहते हैं। वो टीचर बार बार बोर्ड पर सिखाती है लेकिन बच्चे लिख नहीं पाते, तब टीचर क्या करती हैं, अपने स्थान से नीचे उतरती हैं, बच्चे के पास जाती हैं, उसका हाथ पकड़कर उसके स्लेट में लिखाती हैं ए फॉर एप्पल, अब इसी को घसीटते रहो। भगवान ने यही किया, पहले अवतार लिया लोगों को समझाने के लिए, नहीं समझे, स्वयं कृष्ण बनकर आए, गीता का ज्ञान दिया फिर भी नहीं समझे। अब भगवान ने सोचा कि खुद भक्त बनकर जाऊंगा, खुद भक्ति करूंगा और दुनिया वालों को भक्ति सिखाऊंगा, और इसीलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं। और भक्तों कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आजकल एक दुनिया पर बहुत बड़ी आपत्ति आ चुकी है, महामारी महारोग आया है, कोरोना वायरस है। तो ये कोरोना वायरस लगभग महीने डेढ़ महीने पहले लॉन्च हुआ मार्केट में, लेकिन 535 वर्ष पहले इससे भी एक बड़ा वायरस लॉन्च हुआ था और वो था करुणा वायरस। और ये करुणा वायरस लेकर आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन यदि पूछा जाए तो मेरी दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु और कुछ नहीं, साक्षात करुणा की मूर्ति है चैतन्य महाप्रभु। भगवान को क्या पड़ी थी अपना वैकुंठ, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर धरती पर आए, अपनी जवान पत्नी और विधवा माँ को छोड़कर दुनिया में भटक भटक कर लोगों को आलिंगन करके अपनी शुद्ध भक्ति देना, लोगों को पवित्र करना, ये करुणा के बिना संभव नहीं है भक्तों, एकमात्र करुणा। और चैतन्य महाप्रभु के अंदर भरपूर करुणा, क्योंकि आखिर तो राधा रानी का भाव है, भरपूर करुणा से लबालब भरे हुए थे। और चैतन्य महाप्रभु ने यह करुणा का वायरस लगाया रूप और सनातन को, रूप और सनातन ने यह वायरस लगाया जीव गोस्वामी को, जीव ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह करुणा वायरस आगे बढ़ाया, पहुंचा जगन्नाथ बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने करुणा वायरस लगाया अपने शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर, उसने ये वायरस लगाया गौर कृष्णदास, उसने लगाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और अंत में ये करुणा वायरस पहुंचा ऐसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद के अंदर। ने तो 70 साल के बूढ़े को क्या पड़ी थी, वृंदावन में आराम से भजन करते और जीवन बिताते, 70 साल के बूढ़े थे प्रभुपाद। आज का 70 साल का बूढ़ा रिटायर होकर वृंदावन चला जाता है, लेकिन 70 साल की उम्र में प्रभुपाद भारत से अमेरिका जाने की सोच रहे, पूरे विश्व में प्रचार करने की सोच रहे, कारण वो वायरस घुस गया था, करुणा वायरस घुस गया था अंदर। और जिसको घुस जाता है वो गड़बड़ी मचा ही देता है। शिल प्रभुपाद वो करुणा वायरस लेकर मालवाहक कार्गो जहाज में बैठे और अमेरिका की धरती पर उतरे, और धीरे 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 इस वायरस से अनेकों लोगों को प्रभावित किया, और आज लगभग पूरे विश्व में डंका बजा दिया इस करुणा वायरस का। मैं आज इस व्यास मंच से इतना कहना चाहता हूं भक्तों, मेरे भागवत कथा करने वाले जितने भी कथाकार हैं सब आदरणीय हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रणम्य हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, प्रभुपाद की संस्था में चैतन्य महाप्रभु की आश्रित में रहकर जो व्यक्ति भागवत बोलता है, प्रचार करता है, उसका उद्देश्य न धन न यश कुछ नहीं, उसका एक और एकमात्र उद्देश्य होता है करुणा, वो करुणा से कथा करता है। इस्कॉन में मैं डंके की चोट से कहूं कि जिसे प्रभुपाद का ये वायरस लग गया ना, चैतन्य महाप्रभु का, सुखदेव के तो प्रणाम मंत्र में ही आता है कि ये तो टोटल करुणा वायरस से भरा हुआ बंदा है। सुखदेव का प्रणाम मंत्र जानते हैं आप? यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में कम, अध्यात्म दीप मदिति तीर्षताम तमो, संसारिणाम करुण वाई रस पुराण गुह्यम,
संसारी नाम पूरे संसार के लिए करुणा, भरपूर करुणा सुखदेव के अंदर थी, और वही करुणा चैतन्य महाप्रभु और शिल प्रभुपाद है। भक्तों, ये इस्कॉन के जितने भी कंठीधारी तिलकधारी भक्त हैं ना, जहां जहां जाते हैं प्रचार करते, हम देखते हैं अपने जीवन की ओर मुड़कर नहीं देखते, न पत्नी न बच्चे न काम काज धंधा, बस उसे एक ही दिलो दिमाग में पड़ा रहता है कि दुनिया वाले को मैं कैसे सुखी करूं, मैं कैसे कृष्ण कथा सुनाऊं, मैं कैसे उसे भक्ति सिखाऊं, कैसे शास्त्रों के सिद्धांत सिखाऊं, बस यही दिलो दिमाग में होता है। क्यों? क्योंकि अंदर करुणा वायरस आ चुका है। तो 535 वर्ष पूर्व इस करुणा वायरस को धरती पर लाए और पूरे संसार को प्रभावित किया और कृष्ण के नाम पर नचाया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आज प्राकट्य दिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर निताय की, शिव प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, पतित पावन है तू तव अवतार, मौसम पतिता प्रभु न पाई बेयार, आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सु, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, गाइए तुम बिना के दयालु जगत संसारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे।